जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत के कई जिलों के अंदर आर्मी की भर्तियां चल रही है। दोस्तों, जयपुर सीकर टोंक की भर्ती भी 8 मार्च से 28 मार्च के बीच है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अब तक बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए तो डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं, कितने समय के अंदर बन जाएंगे और कहाँ से वो बनेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको 14 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपको भर्ती के टाइम लेकर जाने हैं। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाते हैं तो आपको भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो दोस्तों, ये 14 डॉक्यूमेंट्स कौन से टाइम कौन से सेकंड पे आएंगे आपको नीचे दिख रहा होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा डॉक्यूमेंट है वो है एडमिट कार्ड। दोस्तों, एडमिट कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप भर्ती के टाइम जाएंगे वहाँ पे एडमिट कार्ड आपसे मांगा जाएगा, अगर आप नहीं दिखाते हैं तो आपको उसी टाइम बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप जल्दी से अपने किसी भी पास में साइबर कैफे पे जाएं, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। देखिए, इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड होगा, मात्र 10 रुपये में निकल जाएगा। इसलिए किसी भी साइबर कैफे पे जाएं, आपके जिस आईडी से आपने फॉर्म भरा था, जीमेल आईडी से, उससे ही निकलेगा। इसलिए फटाफट जाइए और बना लीजिए। दोस्तों, सेकंड डॉक्यूमेंट है वो हमारा 10th क्लास की मार्कशीट एंड टीसी। दोस्तों, ये हमारी सीबीएसई की 10th क्लास की मार्कशीट एंड ये हमारी टीसी। दोस्तों, ये ओरिजिनल है, ये आपको लेकर जानी है। इसके साथ साथ आपको 3 फोटोकॉपी कम से कम लेकर जानी है इसके साथ में। दोस्तों, जो हमारा 3rd डॉक्यूमेंट है वो हमारा स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये देखिए दोस्तों, ये डीएवी स्कूल का सीबीएसई का सर्टिफिकेट है। इस प्रकार से आपको मिलता है, इसके अंदर डिसिप्लिन वगैरह सबका ग्रेड दिया जाता है। तो ये भी आपको लेकर जाना है, कंपलसरी है। इसके साथ आपको इसकी फोटोकॉपीज हर डॉक्यूमेंट की आपको लेकर जानी है। दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है 4th डॉक्यूमेंट, वो है अनमेरिड सर्टिफिकेट, यानी कि अविवाहित प्रमाण पत्र। दोस्तों, बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये आपका। आपको ई मित्र पे जाना है, वहाँ से फॉर्म लेना है अविवाहित प्रमाण पत्र का, उसको फॉर्म को फिल करना है एंड फोटो लगवानी है, और उसमें आपको सरपंच के साइन एंड स्टैम्प लगवानी है। ये देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से होगा। ये आपकी फ़ोटो लगेगी, यहाँ पे सरपंच का स्टाम्प होगा। ये आपका सबसे फास्ट बन जाएगा दोस्तों, इसलिए फटाफट इसको बनवा लीजिएगा। दोस्तों, जो 5th डॉक्यूमेंट है वो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय सरपंच। दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है आपको अपने सरपंच से। इसमें भी आपको अपने ई मित्र पे जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है, फ़ोटो लगवानी है और सरपंच के साइन लेने और स्टाम्प लगवानी है। ये दोस्तों इस प्रकार से होगा। यहाँ पे दोस्तों आप एक अपनी फ़ोटो भी लगवा लीजिएगा और यहाँ पे सरपंच के साइन हो ही जाएंगे। तो ये भी डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत ही जल्दी बनने वाला है। इसके साथ साथ आपको इसकी 3 फोटोकॉपीज भी लेकर जानी। दोस्तों, अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है 6th नंबर का, आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपना पैन कार्ड भी लेकर जाएं। अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो अभी जाके पैन कार्ड बनवा लीजिए, आपको ये दोनों लेकर जाने हैं। दोस्तों, 7th जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। आप जहाँ पे रहते हैं, जिस जिले में आप रहते हैं, वहाँ का प्रमाण पत्र दोस्तों इस प्रकार का होता है। ये डिजिटली साइंड होता है। इसको बनाना कैसे है, इसकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है। दोस्तों, आपको ई मित्र पे जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, उसको आपको भरना है, ध्यान से भरिएगा, उस पर एक फ़ोटो भी लगानी है। साथ में दोस्तों 10th की मार्कशीट की फ़ोटो एंड राशन कार्ड की फ़ोटो एंड आपके आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी उसमें लगानी होती है। इसके बाद में दोस्तों आपको उस पर गैजेटेड ऑफिसर्स के साइन भी करवाने होते हैं, यानी कि आप किसी भी सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के आप साइन करवा सकते हैं। देन उसको वापस आपको ई मित्र पे जमा करवाना है, जिससे बाद में आपको 3 से 4 दिन के बाद में वो आपका बन के आ जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा 8th डॉक्यूमेंट है वो है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। चाहे आप SC ST हो, OBC हो या फिर जनरल, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है दोस्तों। इस प्रकार का होता है ये। अगर आपके पास में पुराना है तो आप इसको डिजिटल करवा लीजिए, क्योंकि आप डिजिटल ही चलते हैं। दोस्तों, इसको बनाने का सिंपल प्रोसेस है, आपको ई मित्र पे जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करिएगा, उस पर अपनी 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी और अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको उस पर पटवारी के भी साइन चाहिए होंगे। देन इसको वापस आप जमा करवा दीजिए, आपका 3 से 4 दिन के अंदर ये बन जाएगा। तो दोस्तों, जो 9th डॉक्यूमेंट है वो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी जन्म प्रमाण पत्र। इसकी ओरिजिनल एंड आपको 3 फोटोकॉपी हर डॉक्यूमेंट की लेके जानी है, तो ये भी आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा 10th आता है वो हमारा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ये दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आपके पास में है तो आप ज़रूर लेके जाएं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड दोस्तों, अगर आप रिलेशन से हैं तो आप जितने भी रिलेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लेकर जाएं। तो दोस्तों, जो हमारा 11th डॉक्यूमेंट है वो हमारा एफिडेविट। दोस्तों, एफिडेविट बहुत ही ज़रूरी है, आपको जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए। दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको नोटरी की दुकान पे जाना है, वहाँ पे 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है और उसके अंदर आपको प्रिंट करवाना होगा। यह आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा। इसके लिए आपको दोस्तों अपनी ईमेल आईडी पे जाना है,
वहाँ पे आपको लॉगिन करना है इंडियन आर्मी की वेबसाइट के अंदर, एंड वहाँ पे आपको एफिडेविट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका 3 पेज का एक एफिडेविट निकलेगा जिसको आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवाना है। तो दोस्तों उसके बाद में आप नोटरी का स्टाम्प लगवा लीजिए और ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों 12 जो चीज़ है वो हमें चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इस प्रकार से आपको अपनी फोटो चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, कंप्यूटराइज नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों आपके कान जो है वो एकदम साफ क्लियर दिखने चाहिए और इसके अंदर आप कैप या फिर ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपको कम से कम 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। तो दोस्तों 13th जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन। इसके लिए दोस्तों आपको ईमित्र पे जाना होगा, वहाँ पे आपका फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा जिसमें आपको 340 के लगभग चार्ज लगेगा, एंड देन आपको अपने जो थाना लगता है उसके अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे और कुछ दिनों के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन भी बन जाएगा। दोस्तों लास्ट में आपको, अभी आपको पता है कोरोना की बहुत ही महामारी चल रही है, कितने केसेस वापस आने लगे हैं, इसलिए आपको कोरोना रिपोर्ट लेके जानी है, 72 आवर्स के अंदर की कोरोना रिपोर्ट आपको अपने साथ में लेकर जानी है। अगर आप नहीं लेकर जाते हो तो आपको स्टार्टिंग में ही बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 14 डॉक्यूमेंट्स जो आपको बनवाने हैं भर्ती में जाने से पहले। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर आप जयपुर सीकर टोंक की भर्ती में जा रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर आप जयपुर से हैं और डिफेंस की आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर रिटर्न, साथ ही साथ रिटर्न की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आर्मी लवर्स डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही शानदार तैयारी कराई जाती है जिसकी डिटेल्स आपको सामने दिख रही होंगी। तो दोस्तों जिनकी भी 8 मार्च से भर्ती हैं उनको ऑल द बेस्ट, शानदार मेहनत करें ताकि आप सफल रहें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उन्हें भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी नॉलेज मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।